हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, आ गई हूँ आपके सामने। कमेंट्स में आप पूछ रहे हो आए नहीं क्या, आए नहीं क्या। अंशुल जी आपके बिल्कुल सामने खड़े हैं, ध्यान से अपने फोन को देखो। योगिता रानी जी, इतनी सैड स्माइली क्यों भेज रहे हो आप? ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी क्लास में मैं बोलूँ और फिर नहीं आऊँ। गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम वाले बच्चे को राम राम। हाय थिंकर साहिल जी, राम राम आपको। सभी को गुड मॉर्निंग, आ जाइए आ जाइए। यस, सभी बच्चे फटाफट से जुड़ जाओ। हाँ जी, संख्या बढ़ रही है, फटाफट तेजी से जितने आते जा रहे हैं साथ साथ लाइक दबाते जाएं। यस, मैं आ गई हूँ, टाइम हो गया है। स्वीटी जी मैं आ गई हूँ, आ जाइए आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर एक बहुत ज़रूरी बात मैंने आप सबको बतानी है, फटाफट से जुड़ जाओ सारे जने, फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। थैंक यू योगिता बेटा वेलकम करने के लिए। यूजर 1234 गुड मॉर्निंग बेटा। अंशुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मनदीप सिंह जी राम राम, नमस्ते। जैसे आपने किया है हम भी आपको कर देते हैं। पूजा जी का प्यार बरस रहा है मुझ पे। आज आपने मेरे लिए ठंडा पानी जरूर भेजना है, कल तो मैंने मना कर दिया था। यस, बरसात भी करवा देना आज आप मेरे लिए। चलो एक जरूरी छोटी सी बात बता देती हूँ, सारे सुन लो जितने भी जुड़ गए हैं, बाकी जुड़ते रहना, टाइम खराब नहीं करूंगी, नहीं तो 30 मिनट में कुछ नहीं हो पाता है वो कैब का, ठीक है। सबसे पहली न्यूज़ तो ये है बच्चों कि जिस एरिया में हमारा स्टूडियो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट दोनों की भारी समस्या चल रही है, तो जैसे तैसे हमने क्लास को स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि पता नहीं किस मिनट किस सेकेंड एकदम से शटडाउन हो सकता है सब कुछ, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाओ और पढ़ाई शुरू कर लो, पता नहीं किस मिनट क्लास बंद हो जाए, ठीक है बच्चों। एक्टिव रहना, फोन के आगे रहना। शुरू करेंगे क्लास, पहले 30 मिनट वोकैबुलरी और बाद के 1 आवर हम करेंगे वर्ब, अगर इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट ने हमारा साथ दिया तो। और ये हमारा साथ तब देंगे जब आप लोग इंटरेस्ट लोगे, ठीक है। आप लोग लाइक करोगे शेयर करोगे तो फटाफट मुस्कुरा के पढ़ो, भगवान मुस्कुराते हुए बच्चों की खूब सुनता है, तो फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करेगी। अभी जनरेटर पे सब चल रहा है फिलहाल, लेकिन पता नहीं कितनी देर तक चलेगा, ठीक है। यू आर लुकिंग सो गुड मैन, थैंक यू निशा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा वाला फौजी गुड मॉर्निंग मैम, हैशटैग करके क्या लिखा था मैं पढ़ नहीं पाई भाई जी। केशव जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या प्रॉब्लम हो गई मैम क्लास में? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, लेकिन हो सकती है एकदम से मैं गायब हो सकती हूँ, जैसे भगवान गायब होते थे ना, नारद मुनि जी नारायण नारायण करके आते थे और चले जाते थे, वैसा ही आज कुछ मेरे साथ हो सकता है। तो इसीलिए जल्दी से पढ़ाई शुरू कर देते हैं, सब जुड़ चुके होंगे। पहले 15 मिनट ईडीएम और पहला ईडीएम आपके स्क्रीन पे, फटाफट से एक्टिव हो जाओ। फर्स्ट ईडीएम इज ऑन योर स्क्रीन। क्या लिखा है? डेड हीट, सीजिल 19 का ईडीएम है। ध्यान से देखो, पेपर 2020 में हुआ था इसलिए दो दो डेट्स हैं उसके ऊपर। सेकंड शिफ्ट का ये ईडीएम है बच्चों, डेड हीट। ध्यान से देखिए, ऑप्शन पढ़े, अ डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, अ स्ट्रॉन्ग हीट वेव, क्लोज कंटेस्ट दैट एंड्स इन ट्राई। यस, नहीं डी नहीं बच्चों, सी ऑप्शन। हाँ यश भारद्वाज जी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और इंटरनेट में भी इश्यूज हैं जी, ऑप्शन नंबर सी, क्लोज कॉन्टेस्ट डेट एंड्स इन अ टाई। डेड हीट का मतलब होता है किसी मैच का ऐसा अंत जो बहुत ही बराबरी की अवस्था पर हुआ हो, बहुत ही बराबर, बहुत ही क्लोजली दो चीजों का अंत हुआ है और ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि किसको फर्स्ट बोले किसको सेकंड बोले, उसे कहते हैं डेड हीट, या आसान भाषा में कह सकते हो क्लोज कॉम्पिटिशन, या फिर आप कह सकते हैं टाई, जो कई बार होता है ना, हम मैच लड़ते हैं और दोनों टीम के बराबर स्कोर आ जाते हैं, तो लगभग वैसे से सेंस में आता है डेड हीट, यानी आंसर हो गया बिल्कुल सही जवाब, सबका सही जवाब, सब अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, सी ऑप्शन। अब इसको इमेज से कनेक्ट करो, जिस बच्चे को समझ नहीं आया, आपके स्क्रीन पे इमेज है, देखिए हॉर्सेस की। मैं भी एक बार अपने फोन में खोल लेती हूं ताकि एक्सप्लेन करना आसान हो जाए आपको। दो हॉर्स देखो, विनर लाइन दिखाई दे रही है आपको, डेड हीट भी लिखा है लाइन के पास, और दो घोड़े एकदम उस लाइन को टच किए हुए हैं। अब ये डिसाइड करना मुश्किल है कि किस वाले को फर्स्ट कहें और किस वाले को सेकेंड, तो इसे कहते हैं डेड हीट, बहुत क्लोज कंपटीशन, जहां जजमेंट मुश्किल हो जाए और हमें टाई मानना पड़ेगी। हाँ, दोनों ही फर्स्ट आए हैं, हम ये मान सकते हैं। तो डेड हीट में आप इस ईडीएम की इमेज को दिमाग में रखो, कभी भी आप ईडीएम को भूलोगे नहीं। चलिए सेकंड ईडीएम पे चलते हैं बच्चों। आज ज्यादा मटेरियल देने की कोशिश करूंगी क्योंकि पता नहीं किस पल क्लास बंद हो जाए। चलिए सेकंड ईडीएम आपके स्क्रीन पे,
लिखा हुआ है शेंक्स मेयर, ये भी सीजिल का एडियम है, ध्यान से देखो बच्चों, शेंक्स मेयर। मेयर का मतलब आपको पता ही होगा, बचपन से सीखते आ रहे हो। शेंक यहाँ पे एक इंसान का नाम है और वो इंसान क्या है, लॉन, लॉन मतलब क्या कहें, गार्डन मान लो आप आसान भाषा में, और उसके अंदर जब घास थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, ग्रास जो होती है थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो आपने लोगों को देखा है ना इस तरीके से मशीन चला करके उसको काट रहे होते हैं। तो शेंक जो पर्सन है, जिस पर्सन का नाम है, उसकी कंपनी का नाम भी शेंक्स प्राइवेट लिमिटेड था और वो यही घास काटने की मशीन बनाती थी। तो उन्होंने एक बार ऐसी मशीन बनाई जिसे घोड़े के पीछे बांध दिया जाता था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसमें घोड़े के पीछे मशीन को तो बांध दिया कि मशीन चलेगी, लेकिन आदमी के बैठने खड़े होने के लिए कोई सीट उसमें नहीं बनाई गई। तो क्या होता था कि जो इंसान उस मशीन को चला रहा है या घोड़ा उसको खींच रहा है, तो एक आदमी को ना साथ साथ पैदल चलना पड़ता था। जिस वजह से क्यों चलना पड़ता था, क्योंकि सिर्फ मशीन तो घोड़े से अटैच कर दी गई, लेकिन कहीं पर भी उस आदमी के जो उसको वॉक कराएगा, जो उसको चलाएगा, जो कटिंग वाली एक्स्ट्रा चीजों को उठा के फेंकेगा, उसके लिए कोई जगह नहीं बनाई गई बैठने के लिए, कोई सीट नहीं बनाई गई, जिस वजह से उसे पैदल चलना पड़ता था। तो शेंक्स मेयर का मतलब हो गया पैदल चलना पड़े, यानी ऑन योर फुट, ऑन वॉक, पैदल, इस सेंस में आपका शेंक्स मेयर एडियम आता है बच्चों। आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन चूज कर दो। यस, चूज कर दिया, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही ऑप्शन है ए, ऑन फुट, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम लाइक कम है, अरे बढ़ा दो आपके, हाँ लाइव ज्यादा है और लाइक कम है जी। विकास जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लाइक दबा दो भाई, जो बच्चे लेट आए हैं चीटिंग मत किया करो, कल भी कहा था मैंने। चलिए तो शेंक्स मेयर समझ में आ गया होगा, ओन फुट, फटाफट इमेज से इसको कनेक्ट करो। इमेज आ रही है आपके सामने ईडीएम की, शेंक्स मेयर की इमेज से ईडीएम को कनेक्ट करो बच्चों। हाँ जी, आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराएंगे तो सबने अवेयर रहना है। देखो, देख लिया है आपने व्हाइट कलर का, ये स्मेयर, पीछे क्या है, मशीन, लेकिन जो उसको चला रहा है उसे पैदल चलना पड़ रहा है, खड़े होके वो चल रहा है, बैठने की कोई जगह नहीं है, तो इसे कहते हैं शेंक्स मेयर, जहां पे हमें पैदल चलना पड़े, बैठने के लिए कोई सीट अवेलेबल ना हो। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ मेयर घोड़ी ठीक कह रहे हो, मुझे लगा आपको पता होगा बच्चों। जी मेयर घोड़ी पक्का, हाँ मेयर घोड़ी होती है जी। पूजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, देखो इमेज में भी मैंने दिखाया आपको, कर दिया आते ही लाइक। ओके सौम्या बेटा, थैंक यू। बदमाश भाई, अच्छा बदमाश भाई कुछ भी नाम रखते हो प्राणी। यस, दिस इज योर सेकंड ईडियम, पैदल चलना, इमेज को दिमाग में रखो, ईडियम हमेशा याद रहेगा। चलिए थर्ड ईडियम आपके स्क्रीन पे बच्चों, टेक फ्रेंच लीव। आज हमने मटेरियल ज्यादा करना है, कंटेंट्स बहुत सारे हम करेंगे, ठीक है, तो जोश में बैठो, टिके रहो, कोरोना के खिलाफ हम इंग्लिश सीख के लड़ेंगे ताकि हमारे भी काम आए और दूसरों का भी हम कुछ भला कर पाए, ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा ईडियम, टू टेक अ फ्रेंच लीव, ये भी लेटेस्ट पेपर में आया हुआ ईडियम है और रोज अपनी क्लास में एक बार बोलती हूं, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाएंगे जो पेपर से रिलेटेड ना हो, या 10-15 साल पहले का भी नहीं पढ़ाएंगे, एकदम लेटेस्ट चीजें आपको कराएंगे, ठीक है बच्चों। फ्रेंच लीव, ध्यान से देखो, फ्रेंच लीव ये वही वाली लीव है जो आप लोग लेते हो, ठीक है, इट इज कॉल्ड फ्रेंच लीव, यानी क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, दोस्त का फोन आएगा, चुपचाप उठेंगे, क्लास से निकल जाएंगे, टीचर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, या टीचर बोर्ड पर लिख रहा है तो पीछे से उठ करके चले जाएंगे, बताएंगे नहीं, इन्फॉर्म नहीं करेंगे, उसे कहते हैं फ्रेंच लीव। बिना परमिशन के गायब हो जाना, छुट्टी कर लेना, कक्षा को छोड़ देना, बंक मार लेना कहते हो आप अपनी भाषा में, तो उसे कहते हैं बच्चों फ्रेंच लीव ऑप्शन। यस बिल्कुल सही ऑप्शन, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, किसी भी, यस, बिना बताए छुट्टी कर लेना, शाबाश बच्चों। जल्दी से इमेज देख लो जिन्हें ऐसे समझ में नहीं आया, इमेज को कनेक्ट करें, ध्यान से देखो, एक इंसान बिल्डिंग के पीछे वाले दरवाजे से चोरी चुपके भाग रहा है, देखो ध्यान से इमेज को, टेक फ्रेंच लीव, बिल्डिंग के पीछे बैक साइड का दरवाजा दिखाया गया है और चुपके से वो निकल के भाग रहा है बिना किसी को बताए, यस, बिना किसी को बताए वो भाग रहा है, जी 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 हाँ
ठीक कह रहे हो अनुज बेटा, वैदिकन वाले तो फ्रेंच लीव को अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल सख्त नियमों के अंदर आपको रखा जाता था, फिर से रखेंगे एक बार लॉकडाउन खुल जाने दो, ताकत तो हम लगाएंगे वापस से ऑफलाइन पर भी। जी ईडियम में लिखा है टेक फ्रेंच लीव और दिख रहा होगा आदमी चुपके से भागता हुआ, इसे कहते हैं फ्रेंच लीव। चलिए नेक्स्ट ईडियम ऑन योर स्क्रीन, अगला ईडियम बच्चों आपके सामने। आज हम ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, मैंने थोड़ी सी बढ़ा ली है, देखते हैं कौन कौन बच्चे पीछे रहेंगे और कौन मुझसे आगे निकलेंगे। यस नेक्स्ट ईडियम दिख रहा होगा बच्चों, होल्ड वाटर ईडियम आपके सामने है। पीछे ईयर और एग्जाम जरूर देखते रहा करो, हर पेपर को कवर करूंगी, अभी सीजीएल के खत्म नहीं हुए हैं ना, एक बार वो निपट जाएं, फिर हरियाणा के भी करेंगे, टीचिंग के भी करेंगे, सब करेंगे एक एक करके, सीपीओ के भी करेंगे, सीएचएसएल के भी करेंगे, सब करेंगे बच्चों। यस होल्ड वाटर, देखो होल्ड का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ के रखना, रोक के रखना, दिस इज नोन एज होल्ड। जैसे मैंने मार्कर को होल्ड कर दिया है, ठीक है, अटका देना, इस सेंस में भी होल्ड आता है, पर यहां पे होल्ड मार्कर नहीं है, यहां पे क्या है आपका idiom? होल्ड वाटर। अभी वाटर मेरे हाथ में है नहीं, आप इमेजिन कर लो, होल्ड वाटर। वैसे इमेजिन करने की कोई बात नहीं है, चलो आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल देती हूँ। अभी आजकल ये अपना लॉकडाउन के टाइम पे रामायण महाभारत इस तरीके के धार्मिक टाइप के बहुत सारे सीरियल चल रहे थे, आई होप आप सबने भी थोड़ा थोड़ा देख करके एंजॉय किया होगा घर वालों के साथ। तो उस जमाने की अगर मैं बात करूं तो उस जमाने में क्या होता था बच्चों, किस जैसे आजकल के बच्चे नहीं होते हैं छोटी छोटी बात पे तेरी कसम माँ कसम ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो वो जमाने में होता था पानी की कसम, है ना, हाथ में पानी लेके शपथ लेते थे, पता है वो टाइम, हाथ में पानी लेते थे और फिर शपथ ग्रहण करते थे कि हाँ। अरे शपथ से याद आया, अगर हम आजकल के टाइम की बात करें तो कोर्ट में क्या होता है, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, याद है आज का टाइम। तो ऐसे ही पुराने समय में अग्नि की, पानी की, ऐसी ऐसी चीजों की बहुत कीमत होती थी, तो उनको हाथ में लेकर के अगर कुछ कहा जाता था ना तो लोग सोचते थे सच ही होगा, अगर हाथ में पानी लेके बोल रहा है तो सच ही होगा, गीता पे हाथ रख के बोल रहा है तो सच ही होगा, मम्मी की कसम खा रहा है तो सच ही होगा। इस लॉजिक को कहते हैं बच्चों होल्ड वाटर, यानी सच ही होगा, सच्चाई है उस चीज में, दैट इज नोन एज होल्ड वाटर। जी ऑप्शन बिल्कुल सही चूज कर दिया है, वेरी गुड, आप सबके लिए क्लैपिंग कर दिया मैंने, टू बी वैलिड, शाबाश जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। जया सोनी अमृता जी से बात कर रही है बेटा, नहीं नहीं क्लास में ध्यान रखो, नाम ना ले। यूजर 1234 का नाम अमृता है क्या, वो मना कर रही है नीचे, नाम ना ले मेरा तू, मैंने छुपा रखा है यूजर 1234 लिख के। चलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इमेज से कनेक्ट हो जाओ, इमेज में बस पानी की एक बूंद है जिसे हवा ने ही होल्ड कर रखा है, जिसमें हम हवा की ताकत को दिखा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा सी, हाँ ज्यादा अट्रैक्टिव इमेज नहीं है इसकी, बाकी आपको दिमाग में मैसेज जरूर मिल जाएगा। तो होल्ड वाटर इमेज आपके सामने आई गई होगी, आप देख सकते हैं इमेज में लिखा है दैट स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर, यानी कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई प्रूफ नहीं है, ये सच नहीं है, उसे कहते हैं डज नॉट होल्ड वाटर, और होल्ड वाटर का मतलब ये सच है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ईडियम आपकी स्क्रीन पे, लाइक अ डक इन अ थंडर स्ट्रॉम, बहुत आसान है बच्चों, शब्दों से ही क्लियर हो रहा है, थंडर स्ट्रॉम आप समझते हैं, तूफान कह सकते हो आप आसान भाषा में, और डक आपके सामने मतलब दिमाग में आ गया होगा, डक बोलते ही डक क्या होता है, लाइक अ डक इन अ थंडर स्ट्रॉम, अब तूफान के अंदर अगर बतख पानी में तैर रहा है तो ऑब्वियसली खुशनुमा हालात तो है नहीं, मुसीबत में है, परेशानी में है, दुखी है, यही आपके ईडियम के ऑप्शन को कनेक्ट करेगा। जल्दी से ऑप्शन चुन दो, क्या लग रहा है आपको, सी, नहीं सी गलत है, सी बिल्कुल गलत है एमजेके, नहीं 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 नहीं, परेशानी का मतलब डार्लिंग कब से होने लग गया, ए ऑप्शन है, सी गलत है, लाइक अ डाइंग डक इन थंडर स्ट्रॉम का ऑप्शन ए, डिजेक्टेड, उदासी को दिखाता है ये, जब आप परेशान होंगे तो आप दुखी होंगे, सब बच्चे गलत, सब बच्चे गलत, सारे के सारे गलत, वो कह रहे हैं मरता हुआ डक और आप कह रहे हो डार्लिंग, क्या लॉजिक है, मरते हुए डक का डार्लिंग से क्या कनेक्शन हुआ भाई, डार्लिंग तो किसी प्यारी सी चीज को कहते हैं, समझते ही होंगे आप लोग, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म का मतलब है डिजेक्टेड, यस अब आप सही आंसर दे रहे हो, डिजेक्टेड। हेलो मैम, आई एम नीलम, हेलो नीलम जी, वेलकम टू आवर क्लास। जी संख्या बढ़ रही है बच्चों की क्लास में, ज्यादा से ज्यादा आते जाओ फटाफट। जी डिजेक्टेड सही ऑप्शन है, इमेज से कनेक्ट हो जाओ,
डक को देखो बेचारे को अपने आप को बचाने के लिए कैसी छोटी सी छतरी का वो यूज कर रहा है, परेशान है, एकदम गर्दन नीचे दबा के छुप के बैठा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं, मैं भीग ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, दब ना जाऊं, उस चीज की घबराहट में बड़ी नन्नी मुन्नी प्यारी सी छतरी उसके हाथ में। आप देखिए इस इमेज को दिमाग में रखो, इसे कहते हैं डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म। अभी कोई डाए, कोई मर रहा है तो उदास तो होगा ही, परेशान तो होगा ही, तो डिजेक्टेड इज योर राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट इडियम फॉर यू बच्चों, अगला इडियम आपके स्क्रीन पे आ रहा है। जी 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 जी, बार्क अप द रॉन्ग ट्री। देखो बार्क का मतलब होता है भौंकना, समझते होंगे, और रॉन्ग ट्री का मतलब कोई गलत ट्री के आगे भौंकना। अभी इसका क्या मतलब हुआ भाई, आप किसी ऐसे इंसान को समझा रहे हो जो आपके बिल्कुल वर्थ नहीं करता, आप किसी ऐसे इंसान को समझा रहे हो जो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता, बार्क कर रहे हो लेकिन रॉन्ग ट्री के आगे। एक ऐसे इंसान को समझाना जिसे आपकी कोई कदर नहीं है, जो आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, या फिर सीधी सी भाषा में बताऊं इसको आप दीवार मानिए, और मैं यहां खड़ा रह के अगर दीवार को धक्का लगा रही हूं तो इस दीवार का कुछ नहीं होने वाला है, ये टस से मस भी नहीं होगी। इसे कहते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। मैं गलत जगह कोशिश कर रही हूं, कुछ नहीं होने वाला है, कोई असर नहीं होगा मेरे धक्के का इस दीवार पे, तो दैट इज नोन एज बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ऑप्शन चुन दीजिए जल्दी से। बी चुना है टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट यस, शाबाश, बिल्कुल सही ऑप्शन आपने चुना है, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है, शाबाश, वेरी गुड। नेहा जी, रवीना जी, पूजा, एम जे के, वर्षा मलिक, पिंकी, विकास, शरारती बच्चा, सबका बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, बफेलो के आगे बीन बजाना ठीक है, अरे भैंस ही लिख देते हैं, अभी आधा एक शब्द भी क्या इंग्लिश में लिखा आपने, भैंस के आगे बीन बजाना कह सकते हैं आप, बिल्कुल भैंस को बिल्कुल कोई असर नहीं होने वाला है, नागिन के आगे बजाओ तो शायद वो नाच के दिखा दे, भैंस तो कुछ नहीं करेगी, है ना, तो भैंस के आगे बीन बजाना एकदम सही एग्जांपल है, आप ले सकते हो। अब क्या नाम है, अविनाश गुप्ता, बी इज गुड मैम, आप अच्छे लग रहे हो, अच्छा दो दो सेंटेंस एक ही कमेंट में लिख दिए, थैंक यू अच्छे लगने के लिए, थैंक यू, और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हैप्पी वशिष्ठ जी, आपकी भैंस हमें बहुत पसंद आई है जो आपने कमेंट्स में भेजी है, यस इट्स वेरी फनी, वेरी गुड, ऐसे ही अटेंटिव रहो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आप लोगों के, बढ़िया क्लास जाएगी हमारी। चलिए इमेज से कनेक्ट करते हैं, ओ सॉरी ये तो इजी इडियम था, मैंने इसकी इमेज नहीं लाई थी, वो आदत पड़ गई है, इमेज से कनेक्ट करते हैं, ये हम इमेजिन कर सकते हैं ना, इसलिए मैंने दीवार का एग्जांपल आपको दे दिया कि दीवार को अगर हम धक्का लगा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, इसी को इमेज बना लो, मैं ही इमेज हूं इस इडियम में आपके लिए कि मैं दीवार के आगे खड़ी हूं और मैं धकेल रही हूं इस दीवार को तो कुछ नहीं होगा। मैं किसी ऐसे बच्चे को समझाऊं इंग्लिश आ सकती है, आ सकती है, आ सकती है, जो सुनना ही नहीं चाहता तो उसके दिमाग पे कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया होगा, बहुत आसान इडियम है। जतिन काजल, आई एम योर क्लास फेलो एम ए इंग्लिश, यू आर गुड टीचर। अच्छा, एम ए इंग्लिश में आप मेरे क्लास फेलो थे, बिल्कुल रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत कम गई हूं फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने जितनी भी मास्टर डिग्रीज करी है मैंने क्लासेस नहीं लगाई है ज्यादा सही, क्योंकि मैं तब भी क्लास ही पढ़ाती थी, मैं तब भी टीचिंग कर रही थी। चलिए ठीक है जतिन काजल जी, मिलके आपसे अच्छा लगा, शायद फोटो देखूं तो पहचान लूं, एग्जाम्स में हम लोग मिले होंगे। यस, न्यूटन थर्ड लॉ जी, हाय थिंकर जी, बिल्कुल सही, अगला इडियम करते हैं, चलो मुझे बातों में मत लगाया करो। नेक्स्ट इडियम है हमारे सामने ब्रिंग टू लाइट, बहुत आसान है, किसी चीज को रोशनी में ले आना। अगर कोई चीज अंधेरे में है तो आपको दिखाई नहीं देगी, अगर उसी चीज को हम रोशनी में ले आए तो वो खूब क्लियर क्लियर दिखाई देगी। तो बहुत सिंपल सा आइडियम है, बहुत आसान सा आइडियम है। अगर आप रात में सो रहे हैं, पूरे घर में अंधेरा है और आपको अचानक से भूख लगती है, आप किचन में बिना लाइट ऑन किए जाओगे, सबको पता लग जाएगा आप उठे हुए हो, क्योंकि इतना शोर करोगे, कहीं ग्लास गिरेगा, कहीं खुद गिरोगे, कहीं सोफे से टकराओगे, लेकिन अगर लाइट ऑन कर लोगे तो इजीली जाकर के चीज को आप ला सकते हो। तो किसी चीज को रोशनी में ले आना, किसी के ऊपर से पर्दा हटा देना, या अगर मैं आपको टीवी वालों की भाषा में बोलूं तो ब्रिंग टू लाइट को कहते हैं पर्दा फाश करना, है ना, पर्दा फाश करना, किसी चीज को दुनिया के सामने ले आना, उसे कहते हैं ब्रिंग टू लाइट। ऑप्शन चुन दो जल्दी से। नहीं, ए गलत है, चीयर बिल्कुल नहीं करेंगे हम, ए ऑप्शन गलत, ब्राइटन अप भी गलत, चमका नहीं रहे हो उसे, सिर्फ उसके ऊपर रोशनी डाल रहे हो, रिवील क्लियरली, यस शगुन बिल्कुल ठीक बच्चा, रेशम शाबाश। डी ऑप्शन, देखो पेपर में
ईडीएम का ऑप्शन बहुत दिमाग से चूज करना होता है। मैंने बेसिक क्लास में आपको समझाया है ना इस बारे में कि ईडीएम को कैसे चूज करते हैं, क्या मीनिंग है। पिछली क्लासेस जो मैंने ली है 4-5 उन्हें सुन लेना, जो बच्चे नए हो तो ईडीएम चूज करना थोड़ा आपको तरीका आ जाएगा, ठीक है। तो रिवील क्लियरली, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है आप। शगुन जी हाय, इतनी सारी भेजोगे तो दिखाई दे ही जाएंगी। चलिए ईडीएम को कनेक्ट कर लो, इमेज दे रही हूं मैं सिंपल सी। एक बच्चा है आप जैसा प्यारा सा, इमेज के अंदर देखो अंधेरा हो चुका है, सब सो चुके हैं, लेकिन उसे पढ़ने की इतनी लगन है कि वो टॉर्च लगाकर भी अपनी बुक पढ़ रहा है। जैसे हमारे बच्चे क्या करते हैं अंधेरा होने के बाद अपना फोन चलाते हैं ऐसे रजाई में घुस के सर्दियों में, कि बाजू वाले को दिखे नहीं क्या कर रहे हो, है ना, किससे बात कर रहे हो, किससे वीडियो कॉलिंग चल रही है, दिखाई नहीं देना चाहिए। तो हमारे बच्चे कुछ ऐसा सा करते हैं फोन के साथ। ये थोड़ा अच्छे वाला बच्चा है, प्यारे वाला बच्चा है, तो ये बुक को पढ़ रहा है, ठीक है। तो इट इज ब्रिंग टू लाइट, वो चीज को ध्यान से देखने के लिए उस पर रोशनी डाल रही है कि वो मुझे क्लियरली दिखाई दे। तो किसी चीज को बहुत क्लियर देखना होता है, ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट ईडियम आ रहा है बच्चों आपके सामने, एसिड टेस्ट। पीछे ईयर जरूर देख लिया करो। देखो एसिड अटैक आपने बहुत सुना होगा, आजकल के टाइम पे एसिड अटैक सुना होगा। एसिड अटैक में क्या होता है कि तेजाब किसी पर फेंक देते हैं और वो पूरा जो भी जिस पे भी डाला जाए वो जल जाता है। तो एसिड इतनी खतरनाक चीज है, इंसान को जला देती है। तो इस टेस्ट का नाम है एसिड टेस्ट, यानी एक ऐसा टेस्ट जिसमें या तो आपने एसिड में से गुजरना है या एसिड आपके ऊपर डलेगा, यानी बड़ी मुश्किल से चीज, कोई ऐसी चीज जो आपको जला दे और आपको उसमें से गुजरने को बोला जाए तो बहुत डर लगेगा, घबराओगे, जल सकता हूं, खत्म हो जाऊं कहीं मैं। तो उस सेंस में आता है बच्चों एसिड टेस्ट। ऑप्शन चुन दो जल्दी से। हाँ सी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। जी 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 नहीं, डी वाले बच्चे गलत हैं, बी वाला बच्चा भी गलत है। सी अफेक्ट इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग। एसिड टेस्ट किसी ने पास कर लिया यानी वो बहुत ताकतवर है, साबित हो जाएगा, दैट इज नोन एज। हाँ बी गलत है, क्रिटिकल सिचुएशन की कोई बात नहीं कर रहा है, क्रिटिकल सिचुएशन की बात नहीं। आप उस इंसान को देख रहे हो और मैं कह रही हूं टेस्ट को देखो, आपने वो इंसान देख लिया जो एसिड से जल रहा है, उस हिसाब से तो बी ही लगेगा, लेकिन इंसान नहीं देखना है। एसिड टेस्ट का मतलब है वो इंसान उसमें से गुजर कर पार हो गया। एसिड टेस्ट का मतलब है बच्चों वो इंसान ने वो टेस्ट को पास कर लिया, इतना ताकतवर था वो, इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग। देखो एग्जाम्पल, देखो इमेज, देखो समझ जाओगे, इमेज देखो कनेक्ट हो जाओगे। फिर से करंट सिचुएशन की इमेज ला रही हूं। लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत महाभारत और रामायण देखी है, ये हमने दिखाया है जी सीता जी की अग्नि परीक्षा, ध्यान से देखो। अब इस आग से वो निकल करके बाहर आ गई, उसका क्या मतलब है, शी इज एब्सोल्युटली, हाँ मैं भी क्या, अरे कुछ भी लिखते हो मेरा ध्यान भटका देते हो ऑप्शन से कमेंट में। एमजे के बेटा चैटिंग मत करो, कुछ लॉजिकल बात पूछा करो। हाँ वापिस अपनी इमेज पे मैं आती हूं, देखो अगर ये लेडी इस आग से बाहर निकल आती है तो वो अपने आप को साबित कर देंगे कि हाँ वो बिल्कुल सही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए आग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो एसिड टेस्ट साबित करता है इंसान की सच्चाई को, ठीक है, इंसान की सच्चाई को जो साबित करे, पूरी दुनिया उस बात को मान ले कि हाँ ये तो सही है, दैट इज नोन एज एसिड टेस्ट। नेक्स्ट ईडियम आ रहा है बच्चों आपके सामने, क्लास वाला फील देते हो बच्चों आप लोग। तो नेक्स्ट ईडियम पे आओ जल्दी से, नाइन्थ ईडियम पे हम आ चुके हैं। आज कुछ ज्यादा करना चाह रही हूं इसलिए बातें नहीं कर रही मैं आप सबसे। कट एंड ड्राइड, जल्दी से ऑप्शन चुन लो। कोई ऐसी चीज जो काट के सुखा करके आपको दे दी गई है, सिर्फ खानी है, तो रेडीमेड ऑप्शन हो सकता है। हाँ डी ऑप्शन ले सकते हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड, बिल्कुल सही, कट एंड ड्राइड का ऑप्शन होगा, ऑलरेडी डिसाइडेड। नोनू संधु जी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, लेट हो आप नोनू बच्चे, लेट हैं आप, नाम बहुत प्यारा है लेकिन लेट आना गलत बात है। जो बच्चे लेट जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, आज मैं थोड़ा सा स्पीड से चली हुई हूं क्योंकि हमारे स्टूडियो में इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट के थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, पता नहीं किस पल बंद हो जाए क्लास, तो जुड़े रहे आप मुझसे। हाँ जी ऑलरेडी डिसाइडेड आपका ऑप्शन है, इमेज आपके सामने आई तो है पर थोड़ी क्लियर नहीं आई है, मैं बता देती हूँ इस इमेज के बारे में। इसमें बच्चों मैंने ड्राई फ्रूट्स की इमेज लगाई थी जिसमें 10 से 15 ड्राई फ्रूट थे, आपको एक या दो ही दिख रहे हैं, इमेज की सेटिंग शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं। अब ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, काट करके सुखा करके आपको दिए जाते हैं, सिर्फ उठा के खाने हैं।
तो ये ईडियम रेडीमेड चीजों को दिखाता है जो पहले से तैयार है, जो पहले से डन है, उसे कहते हैं कट एंड ड्राइड। ना काटना है ना सुखाना है, उठाना है और खाना है, दैट इज कट एंड ड्राइड। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ईडियम आपके स्क्रीन पे बच्चों आपके लिए अगला ईडियम है। हाँ, कुछ कुछ आपको इमेज दिखाने की कोशिश की जा रही है टेक्निकल गुरु जी के द्वारा। तीन चार ड्राई फ्रूट आपको दिख गए होंगे, आप समझ गए हैं ये एक ट्रे सी थी जैसे घरों में आती। हाँ, यस, दिस वॉज द ट्रे। एक झलक आपने देख ली है हमारी ड्राई फ्रूट की ट्रे की, तो दैट वॉज कट एंड ड्राइड। नेक्स्ट ईडियम बच्चों, सी आई टू आई, थोड़ा सा ब्लर लग रहा है मुझे ईडियम। देखिए बच्चों, आपको क्लियर दिख रहा है क्या, मुझे बता देना एक बार। मेरे स्क्रीन पे ईडियम थोड़ा सा ब्लर होके आया है, क्या आप सबको क्लियर दिख रहा है? सी आई टू आई, सी आई टू आई, सी आई टू आई, यस, एग्री विथ समवन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। नहीं, स्टेयर नहीं, घूरना नहीं होता है। आई टू आई का मतलब है सहमति दिखाना। बच्चों समझो, जो घूरना इसका मतलब निकाल रहे हैं वो थोड़ा सा लॉजिकली सुनो। अगर आपके पापा आपको किसी बात पे डांट रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के डांट रहे हैं, और आप नीचे देख रहे हो, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, अपना फोन चला रहे हो, तो बोलेंगे सामने देख, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, सामने देख, ऊपर देख, मेरी आंखों में आंखें मिला, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तो आई टू आई का मतलब होता है आप उस इंसान की बात सुन रहे हो, वो चाहता है सुनो समझो। और कब पता लगता है वो इंसान आपकी बात सुन रहा है? जब उसकी आंखों में आंखें डाल के आप बोलोगे। अगर आप नीचे देख रहे हो ना, फोन चला रहे हो, पापा फोन लेके तोड़ेंगे सबसे पहले, मैं बात कर रहा हूं तू फोन चला रहा है, मेरी आंखों में देखो। तो दैट इज एग्री, सहमति देना। अगर कोई नजरें चुरा रहा है तो वो आपकी बात से असहमत है, वो आपकी बात सुनना नहीं चाहता है, उसका ये मीनिंग होता है बच्चों। तो इसलिए आई टू आई का मतलब एग्री विद समवन। जी बिल्कुल सही योगिता, वेरी गुड। तलविंदर बेटा बिल्कुल सही है, आप भी ऑप्शन एकदम सही है। नोनू भी सही है, नोनू जी भी ठीक है, शरारती बच्चा, यस, एग्री विद समवन, बिल्कुल सही। 10 ईडियम यहां हमने पूरे कर लिए हैं। आओ अब थोड़े से वनवर्ड्स करते हैं। मुझे पता है समय हो गया है, पर 2-4-5 पक्का करा के जाऊंगी, जल्दी से आ जाओ वनवर्ड्स पे। हाँ, आई टू आई की इमेज देख ली होगी आपने, बड़े प्यारे प्यारे से दो आलू हैं, देखो उनकी गोल गोल सी नीली नीली आंखें हैं, और एकदम आंखों में आंखें डाल के गहरी प्यार भरी बातें वो कर रहे हैं। तो इट इज सी आई टू आई, एक दूसरे को जानना समझना सहमति देना, इस सेंस में आता है। और नजरें चुराने का मतलब सहमत नहीं हो। ऐसे ही वन वर्ड कराऊंगी बच्चों, बहुत सारा लाती हूं लेकिन बहुत कम हो पाता है, कोई बात नहीं, जितना भी होता है बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड। हाँ, मेरे स्क्रीन पे अभी भी क्वेश्चन ब्लर है। वन वर्ड्स पे मैं आ रही हूं। वन वर्ड्स का मतलब होता है एक सेंटेंस आपको दिया होगा और नीचे ऑप्शन से आपने बेस्ट सुटेड वर्ड उस सेंटेंस को देना होता है, ठीक है। वन वर्ड को भी हम इंटरेस्टिंगली इमेज सही करेंगे ताकि आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए वो चीज ठहर जाए और आप उसे याद रख सको। पहला वन वर्ड आपके स्क्रीन पे है, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। ध्यान से देखो, एक ऐसा इंसान जो मैप बनाता है, इसके लिए सही ऑप्शन जी कार्टोग्राफर, सही चूज करा है बी, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है, आप सब कमाल कर देते हो, एकदम लाजवाब, एकदम सटीक आंसर आपने दिया है, एकदम अर्जुन बन गए हो, चिड़िया की आंख देखते हो सिर्फ। कार्टोग्राफर बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जिन बच्चों को बाकी तीन ऑप्शन का मीनिंग नहीं पता, ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन कैलीग्राफर, देखो कैलीग्राफी सुंदर सुंदर राइटिंग को कहते हैं, तो कैलीग्राफर जो साफ हैंडराइटिंग लिखता हो, जिसकी हैंडराइटिंग, कैलीग्राफी नहीं देखी, बहुत बढ़िया तरीके से वर्ड्स को डिजाइनर लिखते हैं, दैट इज कैलीग्राफी। अच्छा, बी ऑप्शन कार्टोग्राफर तो मैप वाला है ही, सी ऑप्शन स्क्रीन पे ब्लर है, मैं फोन में देख लेती हूं। फोन साथ रखती हूं बच्चों ताकि कुछ लैपटॉप में इश्यू हो जाए तो मैं यहां से देख लूं। हाँ जी, कार्टोग्राफर, सी लेक्सिकोग्राफर लिखा हुआ है। लेक्सिको जो शब्द होता है, याद करो वर्ब में हमने पढ़ा था, लेक्सिकल वर्ब कहा था मेन वर्ब को, और वर्ब का मतलब शब्द होता है, तो लेक्सिकोग्राफर का मतलब जो शब्दों को कंपाइल करे, या आसान भाषा में डिक्शनरी लिखने वाले को कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। और लास्ट तो आता ही होगा कोरियोग्राफर, जो लोगों को नचाए, है बच्चों, कोरियोग्राफर तो पता ही होगा, जो लोगों को नचाए। अब कार्टोग्राफर के लिए इमेज देख लो एक बार दिमाग में, मैप की, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप, इसकी इमेज देख लीजिए एक बार आप लोग, मैप दिखाई देगा आपको ताकि दिमाग में कनेक्शन हो जाए, ये कार्टोग्राफर है।
पूनम धनगन कह रही हैं पूजा ठीक है बहन, हाँ जी दोनों बहनों मैं भी ठीक हूं, आपकी तीसरी बहन भी ठीक है। यस, दिख गया है मैप, उसके ऊपर पेन दिखाई दे रहा है आपको। तो इस ड्रॉ करने वाले इंसान को कहते हैं कार्टोग्राफर, मैप ड्रॉइंग। नेक्स्ट वन वर्ड आपके स्क्रीन पे, अ पर्सन एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, ऐसा इंसान जानवर या पौधा जो उसी जहां पे वो है वहीं से बिलोंग करता है, उसके पैदाइश वहीं की है ये कहा जाए। जैसे कि हम कहें कोई इंसान हरियाणा में पैदा हुआ है लेकिन रह रहा है अभी दिल्ली में, तो उसकी पैदाइश हरियाणा की है लेकिन वो निवासी दिल्ली का हो गया है फिलहाल। ठीक है, फिलहाल वो कहां निवास कर रहा है, दिल्ली में, लेकिन पैदा कहां हुआ है, हरियाणा के किसी गांव में। तो हरियाणा के किसी गांव में पैदा होना इज योर आंसर एंड दैट इज नेटिव। वैसे देश से ये कनेक्ट होता है बच्चों, हिंदुस्तान में पैदा होकर पाकिस्तान में रहने चले जाना, एग्जाम्पल को अदरवाइज मत लेना, सिर्फ समझा रही हूं मैं, ये नहीं कह रही हाँ वहां जाओ रहने के लिए, मीनिंग गलत मत निकालना मेरी बातों का, सिर्फ समझा रही हूं कि यहां कोई पैदा हुआ है लेकिन रह वहां पे रहा है तो पैदाइश उसकी यहां पे है, दिस इज नोन एज नेटिव। नेटिव लैंड का क्या है, कहां से आप ओरिजिनली बिलोंग करते हो, दैट इज नेटिव लैंड। ए ऑप्शन देखो, एलियन, समझते होंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जादू याद है कि नहीं है, जब हम छोटे छोटे थे एक बहुत अच्छी पिक्चर आई थी उसमें एक जादू था ऐसे कैप वाला, तो दैट जादू वॉज एलियन। ठीक है, बी हमारा सही ऑप्शन है। सी और डी ना बच्चों ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, रेजिडेंट को ही ऑक्यूपेंट कह सकते हो। जैसे मैं अभी कहा था ना कि अगर आप हरियाणा में पैदा हुए हैं और दिल्ली में रह रहे हैं तो आप निवासी तो दिल्ली के हो लेकिन पैदाइश हरियाणा की है, पैदाइश हरियाणा की है यानी नेटिव शब्द यूज होगा हरियाणा के लिए, और निवासी आप दिल्ली के हो चुके हो यानी ऑक्यूपेंट या रेजिडेंट कहेंगे आपको दिल्ली का। दिस इज द लॉजिक, इमेज से कनेक्ट करते हैं। चलिए इमेज आपकी स्क्रीन पर, इमेज दिख रही है बच्चों कैसा इंसान है, देखो कितना रंग बिरंगा सा। इस फोटो को देख के क्या आप कह सकते हो ये हरियाणा में रहता है या दिल्ली में? जरूर गेस करोगे, किसी जंगलों में रहता होगा। मैम ये तो ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसा मेकअप इसने करा है, ऐसी ज्वेलरी पहनी है, ये तो यहाँ का आदमी नहीं है। तो इसे कहते हैं नेटिव, जो उसकी लुक ही बता रही है कि वो कहाँ का पैदाइश हो सकता है, कहाँ उसका ओरिजिनल प्लेस हो सकता है, दैट इज नोन एज बच्चों नेटिव। ठीक है, इमेज को कनेक्ट करना भूलोगे नहीं कभी। तीसरा वन वर्ड आपके सामने ला रही हूं, अ सिलिंड्रिकल कंटेनर बल्जिंग आउट इन द मिडल। सिलिंड्रिकल समझते हैं गोल गोल सा, बल्जिंग आउट इन द मिडल बीच की तरफ से जो बाहर आ रहा हो। ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेव्स फॉर कीपिंग ऑयल एंड बियर, तेल या बियर रखने के लिए कंटेनर जो बीच में से फुला हुआ और ऊपर नीचे से पतला हो उसे कहते हैं सिलिंड्रिकल। और आंसर चुन रहे, हाँ सही अनुज, शाबाश बेटा, बैरल। बैरल कहते हैं बच्चों ऐसे कंटेनर को जो ऊपर से भीड़ा यानी ऊपर से उसका कम है और नीचे से जो उसका एरिया है वो ज्यादा है, दैट इज नोन एज बैरल। लेकिन बाकी तीन ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो बिना किसी भी कंटेनर या डिब्बे को कहते हैं, जैसे डस्टबिन, डस्ट का बिन, डस्ट का डिब्बा, तो बिन डिब्बे के सेंस में आता है। बसल जो होता है वो हलचल को दिखाता है, हसल बसल एक इडियम आता है अगर आपने सुना है तो, हड़बड़ी खलबली हलचल भगदड़ उसे कहते हैं बसल। और बेल जो शब्द है वो गांठ के लिए आता है, जैसे धागे में गांठ लग गई, शरीर में किसी हिस्से में कोई गांठ बन गई है तो दैट इज बेल। तो हमारा सही ऑप्शन है बैरल, शाबाश। इमेज देख लीजिए, कनेक्ट हो जाओगे। इमेज देखो बच्चों जल्दी से, इमेज बच्चों मुझे एक बार ये जरूर बताना कि क्या ये जो हमारा ये स्क्रीन पे आ रहे हैं वर्ड्स, ये आपको क्लियर हैं? वर्ड्स क्लियर है ना, बता देना एक बार। इमेज आ गई है स्क्रीन पे, दिख रहा है कंटेनर आपको वुड का, थोड़ी सी इमेज स्ट्रेच हो गई है तो ये ऊपर और नीचे से थोड़ा सा इसका कम होता है एरिया और बीच से ये चौड़ा होता है। ठीक है, तो इट इज नोन एज बैरल, इसे कहते हैं बैरल, पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा। नेक्स्ट वन वर्ड पे आ रही हूं बिना टाइम खराब किए, एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन। एन एनक्लोजर कोई बंद जगह, कोई कंटेनर, कोई पिंजरा टाइप जिसमें पक्षियों को रखा जाता हो, ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? हाँ जी बच्चों बताना, एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन क्या ऑप्शन होना चाहिए? बताइए बताइए। हाँ पाकिस्तान बिल्कुल बुरा नहीं है साहिल जी,
पर पता है क्या होता है बेटा, मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ ना तो उसको अदरवाइज ले लेते हैं, उसका नेगेटिव मीनिंग निकाल करके इधर उधर फैलाने लगते हैं, तो इसलिए मैंने अपने आप को करेक्ट किया है। जगह तो कोई बुरी नहीं है, इंसान भी कोई बुरा नहीं है, ये तो हमारी आंखें, हमारी सोच और हमारी पढ़ाई ऐसी हो गई है जिससे हमें ऐसा सोचना सिखाया जाता है। जी शाबाश, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, वेरी गुड, यस 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 यस, आई एम हैप्पी। अवियरी आपका ऑप्शन है, पक्षियों के लिए ये आता है। अपियरी जो सेकंड ऑप्शन है वो मधुमक्खियों के लिए आता है। स्टेबल जो थर्ड ऑप्शन है वो घोड़ों के लिए आता है। और फोर्थ जो सेंचुरी, बर्ड सेंचुरीज आपने सुना होगा, बर्ड सेंचुरीज आपने सुना होगा, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, अपियरी बीज के लिए आता है, अपियरी बीज के लिए आता है। इसी बीच आप सबके लिए गुड न्यूज, मेरे पसीनों को देखते हुए शायद कुछ अच्छे बच्चों ने भगवान से दुआ की है और यहाँ पे लाइट आ गई है, जिस वजह से दिक्कत शायद अब हमें ना हो। अब हमारी क्लास बंद नहीं होगी, मैं भी रिलैक्स हूँ, अब थोड़ा रियल पढ़ाएंगे, अब नेचुरली पढ़ाएंगे थोड़ा सा। अभी तो आई वॉज रनिंग 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 की फटाफट मटेरियल करा दू, पता नहीं कब बंद हो जाएगा, तो अब हम नेचुरल हो जाते हैं बच्चों, अब ये बंद नहीं होगा और अब हमें पसीना भी साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, ये आपके सामने इमेज है अवियरी की, ये इमेज है, इसको कहते हैं एनक्लोजर जिसके अंदर बर्ड्स को रखा जाता है। चिड़ियाघर में देखा होगा बच्चों, ये वही है, चिड़ियाघर में देखा है जहां तोता वगैरह रखते हैं, तो दैट इज एनक्लोजर जिसमें बर्ड्स को रखा जाए, दैट इज अवियरी, तो इसको कहते हैं अवियरी। एक वन वर्ड और कर लेते हैं, ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहो, ऐसे ही इज्जत बरसाते रहो बच्चों, इतने ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया तरीके से चीजें कराती रहूंगी, सिनोनिम्स तो और बढ़िया तरीके से लाऊंगी नेक्स्ट वीक में, ठीक है, तो अगले वीक की क्लासेस मिस नहीं करनी है। जी फिफ्थ वन वर्ड ला रही हूं, दिस वॉज फोर्थ, एक और कर लेते हैं फिर अपने ग्रामर की क्लास पे चलेंगे। An inscription on a tombstone written in memory of the deceased. देखो यहाँ पे deceased का मतलब होता है मृतक। तिल्यार लेक पर मैम, जी पूनम धनकर जी बिल्कुल, तिल्यार लेक पे हाँ जू है, आपने पक्का देखा होगा। हाँ अनुज बिल्कुल सही ऑप्शन है, पितेम शाबाश। देखो सारे सीजीएल के लेटेस्ट करा रही हूँ बच्चों, वन वर्ड्स भी और idioms भी सब करेंगे, इतना मटेरियल है खत्म नहीं होगा, बस आप लोग जुड़े रहना, बहुत ज्ञान आपको मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। Enclosure to keep the birds in हो गया था, inscription के लिए epitaph, मृतक देखा है लोगों को, मतलब एक ऐसे पत्थर सा गड़ा होता है जमीन पे, उसके ऊपर लिखा होता है उस इंसान का नाम, उसका मरने वाला डेथ जब हुई है वो ईयर लिखा होता है, उसकी थोड़ी बहुत डिटेल या उसका कोई मैसेज या उसके प्रति हमारा प्यार कुछ ऐसा लिखा होता है, तो दैट इज नोन एज epitaph। फर्स्ट ऑप्शन आपको पता होगा पिल्लर हो जाता है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी एपिटेम। एक बार इमेज देख लो, जिन बच्चों को नहीं पता ये बी क्या होता है, इमेज देख लो कनेक्ट हो जाओगे। बी की इमेज देखो मेरे बच्चों, जल्दी से इमेज देखिए, 7 मिनट मैंने ऊपर ले लिए हैं क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा कराना चाहती थी आज। देख पा रहे हो इमेज, इसे कहते हैं एपिटेम, इसे कहते हैं एपिटेम, समझ गए। ये देखा होगा आपने जर्नली कब्र पे लगा करके ये लिख रखा होता है, कब्र के ऊपर ये ऐसा लिखा होता है ना बच्चों। चलिए तो यहाँ पे हम अपनी वो कैब की क्लास की समाप्ति करते हैं, एक बार मुझे प्यार से बाय बाय कर दो, मैं आप सबका बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ क्योंकि आप सबकी दुआओं से इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, एसी चल गए है, अब मैं रिलैक्स होकर पढ़ा पाऊंगी, अब मन से डर भी चला गया है कि पता नहीं कब कनेक्शन कट जाए, तो अब हम नेचुरल पढ़ेंगे, अभी आई वॉज इन हरी कि ज्यादा से ज्यादा करा पाऊं। चलिए बच्चों ग्रामर के दूसरे लिंक पर मिलते हैं, यहां से कट होते हैं, बाय बाय।